मेरा सवाल था कि क्या जयराम और आजसू का कोई कनेक्शन है, क्या आजसू फंडिंग करती है जयराम? देखिए, जब हम लोग सत्ता में थे उस समय भी हम लोग हमेशा से 1932 के खतियान या अंतिम सर्विस सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू को करने को आजसू पार्टी हमेशा आजसू पार्टी का ही स्टैंड रहा। झारखंड में 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के अनुसार स्थानीय नियोजन नीति लागू करने और पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा के बाहर गोमिया से आजसू के विधायक लंबोदर महतो धरना पर बैठे हैं। लंबोदर जी, आप लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप लोग सत्ता में थे तब ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, जब हम लोग सत्ता में थे उस समय भी हम लोग हमेशा से 1932 के खतियान या अंतिम सर्विस सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू को करने को आजसू पार्टी हमेशा आजसू पार्टी का ही स्टैंड रहा। और अगर आप देख लें कि 1985 के आधार पर जब रघुवर जो उस समय से भी हम लोगों का आपत्ति दिया हुआ था कि सरकार 1985 नहीं बल्कि 32 के आधार पर लागू करे, शुरू से आजसू पार्टी का स्टैंड इस मामले में बहुत साफ है कि 1932 या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति यहाँ पर लागू। और वर्तमान सरकार ही तो वर्तमान सरकार को तो पावर है इस कैबिनेट निर्णय लेके इसको लागू करने का काम करे। अगर पूर्ववर्ती सरकार ने कोई गलती किया है तो सरकार उस निर्णय को रद्द करे। और जो तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। सुधार है, संशोधन है, उसको करके 1932 के आधार पर लागू करें। इस सरकार को किसने रोका? इस सरकार के बने हुए 26 महीने और इसी सरकार ने कहा था कि मेरी सरकार बनती है तो हम लागू करेंगे 1932 के खतियान के आधार पर। इनका चुनावी घोषणा पत्र में फिर ऐसा करने में क्या दिक्कत है? निश्चित रूप से राज्य की जनता का भरोसा सरकार पर से उठ चुका है और यही कारण है आप देख लें कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, लोगों में जनाक्रोश है। निश्चित रूप से सरकार को झारखंडी जनता की भावना को देखते हुए 1932 या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करें और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अनुशंसा है उसके आलोक में यहाँ के पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का काम करें। पिछले दिनों जो ओरमांझी में कार्यक्रम था खतियानी महाजुटान, उसमें आप भी शामिल हुए थे, जयराम महतो भी शामिल हुए थे। अब कई लोग सोशल मीडिया पर यह बोल रहे हैं कि आजसू ही जयराम महतो को प्रमोट कर रही है, उनको यूज कर रही है। नहीं, ये जयराम महतो के बाद यहाँ तो लाखों जयराम महतो सड़क पर उतर चुके हैं। सिर्फ एक जयराम ने यहाँ पर लाखों जयराम सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। प्रतिदिन आप देखिए 7 मार्च को विधानसभा घेरा हुआ है, लाखों की संख्या में आजसू पार्टी और पूरे राज्य की जनता यहाँ पर विधानसभा का घेराव करेगी। 13 मार्च को यहाँ पर 13 मार्च को लोहरदगा में, फिर 11 मार्च को यहाँ पर पूरे लोहरदगा से लेकर रांची तक का मानव श्रृंखला है, 13 मार्च को बेरमो में है। तो आज देख लीजिए कि लाखों की संख्या प्रतिदिन कहीं न कहीं जनाक्रोश रैली निकल रही है, आंदोलन हो रहा है, मानव श्रृंखला हो रहा है, पूरे राज्य की जनता में उबाल है। सरकार को हर हालत में 1932 का खतियान अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना होगा और राज्य की 55% पिछड़ी जाति के लोग सरकार को बाध्य करेंगे कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आलोक में आरक्षण देना सुनिश्चित करें। मेरा सवाल था कि क्या जयराम और आजसू का कोई कनेक्शन है, क्या आजसू फंडिंग करती है जयराम? नहीं, ये जो भी जिनकी का भी कहना है कि ये मतलब बेतुकी बात है, निराधार है। निश्चित रूप से एक जयराम ना आए तो पूरे झारखंड में लाखों की संख्या में जयराम उत्पन्न है। आप देख लीजिए 30 जनवरी का मानव श्रृंखला, उसमें लाखों 3 लाख से ज़्यादा लोग सड़क पर उतरे थे और एक नहीं, वहाँ तो लाखों जयराम थे। इसलिए इस तरह का, चूँकि सरकार और सरकार में शामिल लोग किस तरह का बेसलेस आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई न सिर है न पूछ है। ये है गोमिया के विधायक लंबोदर महतो, जो विधानसभा के बाहर फिलहाल 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति और पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं। शुक्रिया। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in